और तो उससे वापस आ चुके हम पार्किंग में वापस से, और हमारे एक दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज, जिनका नाम है शाश्वत, जिसे हम अपने ग्रुप का बुढ़ाऊ बुलाते हैं क्योंकि उनकी एज हम सबसे ज्यादा है थोड़ी। आइए भाई देख रहे हैं आज मतलब आग लगानी शुरू हो गई। आए है नहीं जनानी है तू भाई। अब हम जा रहे हैं वाइचिन वैली, तो अब हम लेंगे टैक्सी वाइचिन वैली के लिए जो मलाना डैम पर उतारेगी, फिट ट्रैक है वहां से। मलाना डैम से हम दूसरी टैक्सी करेंगे जो 4x4 होगी, और इस टैक्सी का हम 7 जनों का रेंट था कसोल से यहाँ तक 2100 रुपीज़। और अब चलो चलते हैं आगे। तो इसी डैम पर हमें दूसरी टैक्सी भी मिल गई है जो 4x4 है, क्योंकि आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल है तो 4x4 गाड़ी चाहिए। इसका रेंट है 1200 रुपीज़। ये हमें सीधा ट्रैक पर छोड़ेगी। तो अब ट्रैक होता है शुरू, और हमारे साथ एक भैया मिले हैं हमें जो हमें गाइड करेंगे ऊपर तक का रास्ता। उनका ऊपर कैफे है तो उनके कैफे भी देखेंगे हम, अगर वहाँ रुके या फिर कहीं और रुके तो लेट्स सी ऊपर क्या है। चलो चलते हैं, भैया ने बताया आगे का रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है तो आराम से चलना। लेट्स सी अब देखते हैं। रास्ता सही है, काफ़ी थोड़ा है, पूरे लेफ्ट साइड खाई है हमारे, और खाई भी बहुत बड़ी है। वो तो अच्छा है, दिन नहीं है कि हम देख नहीं पा रहे खाई को, नहीं तो देख के याद ही फट जाती हमारी। तो अब ठीक है जैसा है, बीच में तो काफ़ी जगह मैंने फ़ोन को अंदर ही रखा क्योंकि ऐसा ट्रैक था कि फ़ोन बाहर निकाल के हो ही नहीं सकता था, मतलब मुश्किल लग रहा था काफ़ी। तो अब फ्लैश भी ऑन है, अब लेट्स सी, ये काफ़ी पतला रास्ता हो गया है। Finally, after trek of 5 hours, we are here. Thank you so much.
जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ काफ़ी सारे कैफेज़ एक्सप्लोर करके हम यहाँ रुके। यहाँ पर 800 पर हेड है और ऐसे हैं दो रूम है हमारे पास जिसमें हम 7 जने बहुत आराम से आ जाएंगे और बाकी तो सब बढ़िया है। सुबह का वेट करते हैं, ट्रैक करना है वापस से। तो गुड मॉर्निंग गाइस, यह है वाइचिंग वैली और यहाँ पर नॉन वेज और दारू बिल्कुल अलाउड नहीं है। दारू अपनी ला सकते हैं फिर भी नॉन वेज ला भी नहीं सकते। और चलते हैं वापस से ट्रैक की तरफ, पटरी है ट्रैक से पहले। वैसे तो हमें हमारे कैफ़े वाले भैया ने एक छोटा रास्ता बताया जो सही बता रहे हैं वो। लेट्स सी, एक पैर नीचे रख, लेफ्ट वाला राइट वाला। कहीं तो दोनों जगह खाई और ऐसे रास्ता दिख ही नहीं रहा है। चल तू चल। और ऐसे ट्रैक के बीच में पेड़ आ जाता है तो ऐसे निकले हम सब, एक एक करके निकाला। हल्का सा भी पैर स्लिप होता तो नीचे। सो आहा, फिर दोनों साइड खाई आ जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। ज्यादा हीरो ना मैंने। ठीक है, ट्रैक ओवर हो गया वापस से 4x4 में चलते हैं। आप देखो शॉट्स यहाँ के। I'm gonna be down. I'm gonna be down.